वाञ्छाकल्पा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग 18वें अध्याय के अंतर्गत संन्यास के अंतर्गत भगवान जब उत्तर दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को श्रवण किया, जिसमें भगवान ने संसार के सुन पा रहे हैं सभी भक्त लोग? हरे कृष्ण। त्याग का विषय चल रहा था, जिसमें भगवान ने विद्वानों का मत दिया, और फिर भगवान ने कहा कि तीन चीजों का तो त्याग किसी को भी नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यज्ञ का त्याग, दान का त्याग और तपस्या का त्याग। उसके बाद भगवान ने तीन प्रकार के त्याग बताए। मेरा निश्चय सुनो अर्जुन, त्याग, यज्ञ और दान, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसको भगवान ने महिमा बताया कि ये पवित्रों को भी पवित्र करते हैं, जो ऑलरेडी पवित्र हैं उनको भी पवित्र करने वाले ये तीन चीजें हैं, इसलिए इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान यहाँ पर विशेष रूप से अपना मत दे रहे कि त्याग का मेरा मत क्या है। बोले, कर्तव्य समझ करके, अपने आप को कर्तव्य तो न मान करके, फलों का त्याग करते हुए कर्तव्य के रूप में जो त्याग किया जाता है वो मेरा उत्तम मत है, वो मेरा निश्चित मत है। इसके बाद भगवान ने बताया कि निर्दिष्ट कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्म मतलब शास्त्र के आदेशानुसार जो कार्य किए जाते हैं, और यदि कोई मोहवश अज्ञानता के कारण अगर जो आदेश दिए गए कार्यों को त्याग देता है तो वो तामसी त्याग कहा जाता है। दूसरी ओर जो कार्यों को, निर्देशित कार्यों को दुख रूपा समझ करके हम त्यागते हैं कि इससे शरीर को कष्ट मिलेगा, ऐसा त्याग राजसी त्याग कहलाता है। और जो कार्य निर्देशित कार्य नियत कर्म मान करके, कर्तव्य समझ करके, कर्तृत्व की भावना के साथ, फल के त्याग के साथ किए जाते हैं, उसे सात्विक त्याग कहते हैं। भगवान ने कहा जो सतोगुणी त्यागी होता है वो बुद्धिमान कहलाता है, और उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहता, और वो संसार में लिप्त नहीं रहता, वो हर कार्य को करते हुए भी किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होता। भगवान ने कहा कोई व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता, हर व्यक्ति को तो जो भी देहधारी है उनको कार्य तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन विशेष रूप से कर्म फल का त्याग करते हुए जो वास्तव में जीवन को जीता है वह वास्तविक त्यागी कहलाता है। अगर कोई कर्म फल का त्याग नहीं करता तो उसे फल भोगना पड़ता है, अर्थात भगवान के लिए कार्य न करके खुद के लिए कार्य करता है तो उसे भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? तीन प्रकार के फल आते हैं उसके जीवन में, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। उसको नारकीय जीवन भी जाना पड़ सकता है, उसको शारीरिक जीवन के भी फल भोगने पड़ सकते हैं, और उसको दोनों प्रकार के सुख और दुख का भी भोगना पड़ सकता है। वो भगवान के धाम नहीं जा पाता।
कोई कहे कि ऐसे फल का त्याग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस कार्य को करने वाले हम केवल मात्र नहीं है, इसके पांच कारण होते हैं। भगवान ने पांच कारणों को 13-14 श्लोक में बताया। शरीर होता है, कर्ता होता है, करण होता है, चेष्टा होता है, और दैव के रूप में साक्षात भगवान होते हैं। भगवान ही प्रमुख कारण है, हमें ये बात समझनी चाहिए। और कोई व्यक्ति भगवान को कारण मानते हुए शरीर को भगवान की सेवा में लगा देता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, चेष्टाओं को भगवान की सेवा में लगा देता है, और आत्मा स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो उसका वास्तविक त्याग कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति इन शरीर मन मन और वाणी से उचित अनुचित, न्याय और अन्याय, इन कारणों को अपने शरीर मन वाणी से जो उचित अनुचित कार्य करता है, वो इन पांच कारणों के कारण का संभव हो पाता है। कोई भी उचित या न्याय उचित या अन्याय उचित, न्याय उसको कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार किया जाए, अन्याय उसको कहते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध किया जाए। कार्य किससे होते हैं मुख्य रूप से संपन्न? शरीर से, मन से और वाणी से। इसके पीछे भी कुल मिला के पांच ही कारण होते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो अपने आप को कारण मानता है वो कम बुद्धिमान है, तो उसको वास्तविक संसार दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सुख दुख दुख के रूप में दिखाई दे रहा है, दुख सुख के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि अपने आप को कर्ता मत मानना, कर्ता मानोगे तो तुम ठीक ठीक नहीं देख पाओगे। भगवान को कर्ता मानते हुए चलना, अपने आप को भगवान का सेवक मानते हुए चलना, इसलिए मिथ्या अहंकार से युक्त ना हो करके इस संसार में अगर कोई कुछ भी कार्य करता है, यहाँ तक कि हत्या जैसा कार्य भी करता है, तो भी बंधन में नहीं बनता। फिर भगवान ने बताया कि 6 प्रकार के कुल मिलाकर के कार्य को संपन्न करने के लिए घटक होते हैं, जिसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, करण, कर्म और कर्ता, ये 6 घटक हैं। एक प्रकार से कर्म के लिए 3 होते हैं और ज्ञानी के लिए 3 होते हैं, कुल मिलाकर के 6 होते हैं। कार्य सूक्ष्म स्तर पर पहले होता है, स्थूल स्तर पर बाद में होता है। जो प्रेरणा होती है वो ज्ञान से, ज्ञेय से और ज्ञाता के रूप में होती है, और जो कर्म होता है कर्म और कर्ता के रूप में होता है। इसको भगवान ने कृपा करके सबको कल्याणार्थ सुनाया, और फिर भगवान ने कहा इनके भी 3 3 भेद होते हैं। जैसे त्याग के 3 भेद बताए, ऐसे ही हर चीज के 3 3 भेद होते हैं। ज्ञान के भी 3 भेद हैं। बोले ज्ञान जिसमें कि सब जीवों का आत्मा माना जाए, उसको सतोगुणी ज्ञान कहते हैं। सब जीवों को शरीर के साथ संबोधित करना, सब रजोगुणी ज्ञान है। और कोई व्यक्ति संसार के किसी भी तुच्छ कार्य को महान समझ लेता है, घटिया कार्य को महान समझ लेता है, बोले तमोगुणी ज्ञान माना जाए। कर्म 3 प्रकार के कौन से होते हैं? बोले जो साधारण, ये जो शास्त्र के आदेश पर किया जाए और अपने अहंकार के साथ न किया जाए, मैं कर रहा हूं ऐसा सोच के न किया जाए, और किसी फल की आशा के साथ न किया जाए, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। जो फल के साथ किया जाता है और अहंकार के साथ किया जाता है और बहुत प्रयास के साथ करना पड़ता है, बहुत गदा मजूरी करनी पड़ती है, उसे राजसी कर्म कहते हैं। और जिस कर्म में हम बंध जाते हैं, जिसमें हिंसा होती है और जिसकी परवाह नहीं होती कि भविष्य में हमें क्या प्राप्त होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ऐसे मोह से उत्पन्न होने वाले कर्मों को तामसी कर्म कहते हैं। उसके पश्चात भगवान ने कहा, आगे बताया कि कर्ता 3 प्रकार के कौन से होते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को अहंकार से रहित होकर के अच्छे संकल्प के साथ, संकल्प क्या? भगवान की सेवा, संकल्प क्या? भगवान की प्रसन्नता, अपने जीवन की पवित्रता और उत्साह के साथ, सफलता असफलता का विचार किए बिना कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसे सतोगुणी कर्ता कहते हैं। जो बहुत अधिक आसक्ति के साथ करता है, फल में बहुत उसका मन लगा रहता है और लुब्धा अर्थात लोभी होता है, और वो कई बार हिंसात्मक क्रियाओं को भी करता है अर्थात ईर्ष्या करता है, और अशुचि, अशुचि मतलब
जीवन में पवित्रता अपवित्रता की कोई परवाह नहीं करता। ये पैसा हम ठीक ढंग से कमा रहे हैं या गंदे ढंग से कमा रहे हैं उसको कोई सेंस नहीं होता। और ऐसे लोग कभी पैसा वगैरह प्राप्त करने के बाद बहुत हर्षित हो जाते हैं और कई बार शोक में भी डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग राशिकर्ता कहे जाते हैं। उसके पश्चात जो कभी शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करता, उल्टा शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, जो प्राकृत है संसार की दृष्टि से जीवन जीने वाला है, जिसमें ऐंठ होती है सट होता है, और जो व्यक्ति नैष्कृतिक दूसरों का अपमान गाली गलौज करता रहता है, आलसी होता है, विषादी होता है, किसी भी कार्य को लंबे समय के लिए टालता रहता है, उसे दीर्घसूत्री ऐसे कर्ता को तामसी कर्ता रहती है। उसके बाद भगवान ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई, तीन गुणों के अनुसार उसे भगवान ने विस्तार से बताया। क्या बताया? बोले प्रवृत्ति निवृत्ति चार सेट बताए। जो बुद्धि क्या करना, किस में लगना है, किस में नहीं लगना है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, किसको करने से भय होगा, किसको करने से हम अभय को प्राप्त होंगे, क्या करने से हम बंधन में बंध जाएंगे, क्या करने से मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो इतना सेंस रखता है उसको तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि नहीं, उसको सतोगुणी बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति धर्म और अधर्म में बहुत कंफ्यूज रहता है, धर्म को अधर्म मान लेता है, कई बार धर्म को अधर्म में एक दूसरे में मिक्सअप करता रहता है, कार्य अकार्य का उसको ज्ञान नहीं होता, या उसको बुद्धि ठीक से उसे भेद नहीं कर पाती, बोले वो राजसी व्यक्ति होता है। तामसी किसको कहते हैं? जो अधर्म को ही पक्की तरह से धर्म मान लेता है और जो धर्म को अधर्म मान लेता है वो तामसी बुद्धि वाला होता है, और उसकी बुद्धि निरंतर विपरीत दिशा में काम करती। धृति किसको कहते हैं? बोले धृति यया धारय थे, जिससे हम धारणा बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, पक्का संकल्प लेते हैं, तो कोई व्यक्ति योग अभ्यास में रहते हुए अचल धारणा को प्राप्त होता है, जिसमें वो अपने मन बुद्धि प्राण आदि के कार्यों को संयमित कर लेता है, उसको सत्वगुणी धृति कहते हैं। राजसी धृति किसको कहते हैं? जिसमें धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है जो व्यक्ति, जो संकल्प भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं लेता, जो धर्म अर्थ काम के फलों के लिए संकल्प लेता है, उसे राजसी धृति कहते हैं। और जिस संकल्प में आदमी संकल्प वृत्ति लेता है, क्या एक संकल्प लेता है भगवान की खुशी के लिए, एक संकल्प लेता है संसारी फलों के लिए, एक संकल्प लेता है सोने के लिए, शोक आदि के लिए, विषाद आदि के लिए, मोह के परे नहीं जा पाती, जिसके संकल्प बुद्धि, बोले वो दुर्बुद्धि, वो धृति तामसी धृति कहलाती। उसके पश्चात हम तीन प्रकार के सुखों के ऊपर गए थे। भगवान ने तीन प्रकार के सुखों के बारे में बताया। तीन प्रकार के सुखों में सबसे पहले ये बताया कि सतोगुणी सुख उसको कहते हैं जिसमें कि शुरुआत में हमारा जो अनुभूति है वो जहर के जैसी होती है, लेकिन परिणाम में अमृत के जैसी होती है। और हमने चर्चा की थी बड़ी विस्तार से कि किस प्रकार से जो आध्यात्मिक कार्य हैं, ये कार्य सभी जहर जैसे लगते हैं, शुरुआत में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ही अच्छे नहीं लगेंगे, हमेशा ही जहर जैसे लगेंगे, ऐसा नहीं। सतोगुणी क्रियाएं हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को शुरुआत में ही अच्छी लगने लगे, ये तो रोग के कारण हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे जॉइंटिस के रोगी को गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता, गन्ने का जूस कड़वा लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको हमेशा ही गन्ने का जूस कड़वा लगेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब उसका रोग दूर हो जाएगा तो उसको गन्ने का जूस मीठा लगेगा। इसी प्रकार हरि नाम जैसे हम लोगों को हमेशा के लिए बोझ लगता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही हर व्यक्ति को बोझ लगे। आप देखेंगे कई बार सुबह सुबह में सत्वगुणी समय में हम जब जप करते हैं तो उस समय में अच्छा भी लगता है, और रात के समय में जब जप करते हैं तो उस समय वही अच्छा लगने वाला जो जप है वैसा लगता है जैसे कुएं में से बाल्टियां खींच रहे हो, इतना कठिन महसूस होता है, बहुत कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई कोई बिरली आत्माएं अधिक अभ्यास के कारण इतने ऊपर अपने आप को उठा लेते हैं कि उनको हर समय ही अच्छा लगता है। जैसे प्रभुपाद जी एक शिष्या थी यमुना माता जी, यमुना माता जी कहती बोले मुझे जप करना, कभी भी मुझे जप करना बोले बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी जप करना अच्छा लगता है मतलब समझ रहे हैं,
चाहे रात हो या दिन हो या किसी भी परिस्थिति में हो, उनको कभी भी अच्छा लगता है। क्यों? उनको नाम में रुचि आ गया है, उनको नाम में टेस्ट आ गया है। टेस्ट कब आता है? जब हमारा रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से मन हट जाए। जब हमारा रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों में अगर मन फंसा हुआ है तो टेस्ट नहीं आएगा। अब कोई सुअर व्यक्ति है, उसको हलवा में टेस्ट थोड़ी आएगा। जब सुअर से इंसान बन जाएगा तो उसको अपने आप ही हलवा खाने में टेस्ट आएगा। तो हम लोगों की पाशविक वृत्तियां होती हैं, जानवरों जैसी वृत्तियां होती हैं, तो हमें ये सब चीजें इतनी आसानी से अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि कभी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भगवान के लिए कुकिंग करना, हो सकता है किसी व्यक्ति को अच्छा ना लगे, यार मेरे को कुकिंग थोप दिया है, उसको थोपा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को कुकिंग करना बुरा लगेगा ऐसा गारंटी नहीं की कहा जा सकता। कोई कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुकिंग करने में अच्छा महसूस करेगा, ऐसे ही किसी व्यक्ति को भगवान का श्रृंगार करने में काफी बोझ महसूस करेगा। अपना श्रृंगार घंटे तक करेगा लेकिन भगवान का श्रृंगार ठीक से नहीं करेगा। जैसे चंदन यात्रा अभी चल रही है, तो अपने सिर पे चंदन लगाने में कितना बढ़िया लगता है, इधर भी लगा देना इधर भी लगा देना, पूरा चंदन से बढ़िया उसको फील होगा। गर्मी में ठंडा ठंडा महसूस होता है, ऊपर से सुंदर खुशबू आती है, तो अपना चंदन लगाने के लिए कितना सजग रहता है। लेकिन वही भगवान के माथे पर चंदन लगाने के लिए, भगवान के शरीर पर चंदन लगाने के लिए इतना अच्छा फील नहीं करेगा। लेकिन जब वो लगाता रहेगा, सेवा करेगा, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, धीरे धीरे हो सकता है उसको। कई बार हमारी आंख में अगर चंदन लग जाए और बाहर की लोग हमें देखें और देखें कि आधी आंख हमारी चंदन से ढक गई, तो कैसा बुरा लगेगा ना। लेकिन जब हम भगवान को चंदन लगाते हैं तो उनकी आंख को भी तो बुरा लगेगा ना, अगर आंख पे चंदन लगा दिया हमने, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई आंख पे चंदन ना लग जाए, भगवान की सुंदरता में खलल डाल रहे हैं हम एक प्रकार से। इसलिए जब भक्त अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, शुरुआत में ऐसा लगता है कौन चंदन घिसे कौन चंदन लगाए, लेकिन करते रहेंगे अभ्यास ही तो कौन थे। अभ्यास करने से अपने आप ही अच्छे तो कितना अच्छा लगेगा। अब देखा जाए तो तपस्या के बारे में पहले भगवान कह करके आ रहे हैं, हमारा मन करे या ना करे, हमें आदेश का पालन करना, उसे तपस्या कहते हैं। तपस्या मतलब मन को अच्छा न लगने, जैसे सुबह उठ करके नहाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगेगा। अब अच्छा लगने लग गया, मान लो सुबह उठ करके नहाना उसको, तो क्या फिर वो तपस्या, उसको तपस्या फील होगी? फिर उसे तपस्या फील नहीं होगी, फिर उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कष्ट हो रहा है, फिर उसको तपस्या ना करने पर कष्ट फील होगा। क्या वो तपस्या फिर तपस्या नहीं है? बोले फिर भी वो तपस्या तपस्या ही है। ये कैसी विचित्र बात है। तो जैसे वो तपस्या फिर ऐसी वाली फीलिंग नहीं देगी कि मुझे करना पड़ रहा है, उसको ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, मुझे तो ये चाहिए। अभी जैसे हम लोगों की, ज्यादातर लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, प्रभु जी धाम में जाकर के भी जप करना पड़ेगा? मैक्सिमम लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है हम लोगों में, सुनने वालों में, जो ऐसा कहे कि प्रभु जी मैं धाम में जप करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि वहां नहीं जप करने को मिले तो मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेगा। प्राय हम लोग क्या प्रश्न करें, धाम में भी जप करना पड़ता है? हाँ भैया, धाम में भी जप करना पड़ता है, लेकिन वो पढ़ना ऐसा पढ़ना नहीं जैसा संसार में पड़ता है। वहां पर तो मन उसे मजबूर कर देता है कि नहीं तेरे को जप करना है, यहाँ हमारा मन मजबूर कर रहा है कि जप नहीं करना है, वहां मन मजबूर करेगा कि जप करना है, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। क्यों? उसमें सुख मिल रहा है ना, हमें तो संसार में सुख मिलता है अन्य चीजों में, रजोगुनी तमोगुनी चीजों में मिलता है, क्योंकि राजसी तामसी व्यक्ति है। जब हम सतोगुनी बन जाते हैं, मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से, आने वाले समय में इन नियमों का पालन करने से दिव्य पद को प्राप्त होता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है। इसी बात को कह रहे हैं, विषम एव परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत हो जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। हमको कई बार क्या लगता है, प्रभु जी मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने छोड़ दिया, मुझे भक्ति करना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ देने से क्या वो
4 दिन बाद जब करेंगे तब तो अच्छा फील होगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? तो छोड़ देने से अच्छा लगेगा या करते रहने से अच्छा लगेगा बताओ? बहुत सारे लोग इस मुद्दे को लेकर के आते हैं, प्रभु जी मुझे जप करने में मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? अरे मन नहीं लग रहा है इसके चलते तुमने छोड़ दिया, तो क्या छोड़ देने से 4 दिन बाद या 10 साल बाद या आखिरी समय में करोगे तब तो अच्छा लगेगा क्या? छोड़ देने से अपने आप थोड़ी अच्छा हो जाएगा, उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कोई व्यक्ति को मन नहीं लग रहा, बोले मैं करूं कैसे? बोले यही तो तपस्या है, मन नहीं लग रहा तो करो। बोले मन नहीं लग रहा है कैसे करो? बोले यही तो सतोगुनी हाँ सुख है, ये सतोगुनी सुख ऐसा ही है। बोले शुरुआत में मन नहीं लग रहा है तो करो। तो हमें कुल मिलाकर की शिक्षा ही लेनी है इस श्लोक से कि हमें करना ही है। और फिर क्या होगा? आत्म बुद्धि प्रसाद जन, हमें ये आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। आत्मा का साक्षात्कार किसको कहते हैं? आत्मा का साक्षात्कार उसको अंदर से अपने आप फील होने लगेगा। अब ये बाहर की फीलिंग नहीं है, अंदर की उसको फीलिंग आएगी कि मैं आत्मा हूं, अपने आप आएगी अगर वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और जब इसके परिणाम क्या होंगे? देखो अंदर से जब फीलिंग आएगी ना कि मैं आत्मा हूं, तो कुछ वो ऐसा सोच पाएगा कि मैं शरीर हूं फिर? नहीं। अच्छा मैं शरीर हूं तो फिर ऐसा सोच पाएगा कि मैं पति हूं? सोच ही नहीं सकता। क्या वो ऐसा सोच पाएगा मैं पत्नी हूं? क्या वो ऐसा सोच पाएगा कि मैं पिता हूं? क्या वो ऐसा सोच पाएगा कि मैं मालिक हूं? क्या ऐसा सोचेगा मैं संसार की किसी नौकर नौ, किसी बिजनेस मैन के अंतर्गत नौकर हूं? ये सब सोच बनेगा उसका? ये सब सोच से ऊपर उड़ जाएगा। वो एक ही सोच सोचेगा, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मुझे भगवान के लिए कार्य करना है। तो ये आत्म साक्षात्कार अपने आप होगा क्या करने से? नाम जप करने से। अपने आप ही उसको शरीर के कष्ट सताएंगे नहीं, अपने आप ही उसको सम्मान का बहुत ज्यादा प्राप्त होने पर फूलेगा नहीं, अपने आप ही वो अपमानित होने पर कोई कष्ट महसूस नहीं करेगा, अपने आप ही सुख दुख मान अपमान हाँ गर्मी सर्दी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाएगा। अपने आप ही उसे बहुत ज्यादा पैसे के प्रति भागने की वृत्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा पैसे को रखने की चेष्टा नहीं करेगा, अपने आप ही त्याग की वृत्ति उसके अंदर आती चली जाएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि आत्म साक्षात्कार हो रहा है उसको, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अच्छा हम सभी ने जब से जब चालू किया है, क्या हम लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, थोड़ी या कम ज्यादा मात्रा में? हमें अब ये फीलिंग नहीं होती यार ये संसार छोड़ो, यार ये संसार से मेरे को कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा मन में आता है कि नहीं आता है? छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब हरि नाम कार्य कर रहा है। पहले ऐसा होता था क्या? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी कई बार किसी व्यक्ति ने कोई चीज बांटते बांटते और वो कोई चीज हमें अगर नहीं दी तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है क्या? ठीक है यार नहीं दी तो कोई बात नहीं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी, ये संसार तो ऐसा ही, ऐसा मन में आता है कि नहीं आता है? पहले हम जितने झगड़े करते थे आपस में, अब उतने झगड़े होते हैं क्या? नहीं। पहले झगड़े होते थे तो अलग स्तर के होते थे, शरीर के स्तर के होते थे, उसको इतना बड़ा कमरा दे दिया, मेरे को छोटा सा कमरा दिया है, उसको इतना बड़ा मकान के बंटवारे में जमीन आ गई, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, ऐसा वैसा, तू तू मैं कुत्ते बिल्ली की तरह होता था। अभी ऐसा झगड़ा होता है कि मुझे वृंदावन जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे यात्रा में जाना है, मुझे उधमपुर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब अलग झगड़े हो गए ना, पहले झगड़े अलग थे। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? बोले ये आत्म साक्षात्कार हो रहा है, ये हरि नाम कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है, मतलब जब ठीक नहीं हो रहा है, अगर उनके जीवन में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है तो मतलब गड़बड़ है कुछ तो भी। ऐसा होता है इसमें इतने पगार की नौकरी मिलेगी, ऐसा पास करूंगा वैसा पास करूंगा, अब कैसी फीलिंग होती है विद्यार्थी लोगों की? अगर वो लोग जुड़ जाते हैं, कैसे भी फाइनल ईयर खत्म हो जाए, डिग्री मिल जाए, घर वालों को दिखा दूंगा ये लो डिग्री हो गई मैं चला गई, ऐसा होता है कि नहीं हेमराज प्रभु? मन में आता है ना ऐसा, सबके मन में आता है, विद्यार्थी लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है, छोटे बच्चों के जीवन में भी ऐसा आता है कई बार। क्यों फालतू में ऐसे ही खेल कूद में समय नष्ट करना, थोड़ा सा जब कर लेते हैं क्यों, हाँ ये करना, ये लोग टाइम पास करते रहते। छोटे बच्चे भी कई बार थोड़ा सा समझदार हो जाते, बोले घर वालों को बुद्धि कब आएगी, ये लोग मेरे को संसारी पढ़ाई लिखाई में
बहुत सारे इस क्षेत्र में भक्तों के साथ में रहने के लिए चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। छोटे बच्चे भी ऐसा सोचते हैं। कारण आत्म साक्षात्कार, ये सतोगुणी सुख की पहचान है। इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। अगर हमारे मन में ऐसी वृत्तियां तो, और जीवन का सुख प्राप्त करता है। वास्तविक जीवन का सुख सतोगुणी सुखी है। रजोगुणी सुख किसको कहते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। विषय इंद्रिय संयोगात, ये बड़ा प्रैक्टिकल बातें हैं और हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं बुद्धि को। बोले विषय और इंद्रिय दो चीजें होती हैं, इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों के विषय होते हैं। जैसे इंद्रियां कौन सी हैं, पांच इंद्रियां हैं। कौन सी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, ये ऊपर की चेहरे में खोपड़ी में देखो, आंख नाक कान। जीभ आती है कि नहीं, जीभ नहीं आती। क्या आती है, त्वचा आती है, जीव नहीं आती ना। अरे जीव तो सबसे पहले आती है, सबसे ज्यादा लड्डू तो जीव ही मांगती है, बाकी सब चीजों के विषय तो पीछे रह जाते हैं। जीव ने तो पागल कर रखा है। एक माता जी मेरे को कहते हैं, प्रभु जी मैं पहले बहुत व्रत वगैरह रख लेती थी, लेकिन अब तो जीव ने मेरे को परेशान कर रखा है। हर समय मेरे खाने का ही दिमाग में चलता रहता है, अब ये खाना, अब ये खाना, अब ये खाना। और लोग जीव को ही लालच दे दे करके खिलाने के प्रति और दूसरे लोगों को भी भटकाते रहते हैं। एक कुसुम सरोवर में माता जी हमें खमन ढोकला ला करके दे रही है, प्रभु जी ये खा के देखो आज तक आपने कभी नहीं खाया। वो मीनाक्षी माता कुसुम सरोवर लिख करके यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी आईडी पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो मीनाक्षी माता ही है, लेकिन मीनाक्षी माता भी कम नहीं है इन सब मामलों में। बच्चों को बिगाड़ के रख दिया इन्होंने अपने लिए, मतलब नाते रिश्तेदारों को भी बिगाड़ करके रख दिया है। मेरे को बोले प्रभु जी हम अलग मकान लेते हैं, आश्रम में नहीं रहते, क्योंकि अलग मकान में क्या है कि कभी रिश्तेदार आएंगे, बच्चे आएंगे, तो उनको बढ़िया बढ़िया बना के खिला पाते हैं ना। आश्रम में एक साथ इस तरह से बना के नहीं खिला पाते। देखो कैसा कैसी बुद्धि हो जाती है, कितना गड़बड़ मामला है ये। तो ये क्या है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देना। जैसे हमारी हेमलता माता जी हैं, प्रभु जी चीला खाएंगे आप, चावल का चीला, मूंग की दाल का चीला, इन्होंने हमारे जगदीश हरि प्रभु को बिगाड़ के रख दिया है। ये इतना खतरनाक हो जाता है ना कि हमें पता नहीं चलता है। भाई घर का वेदी लंका ढाए, ये सब घर के ही सदस्य हैं और ये भक्तों की लंका को ढाने में पीछे नहीं रहते। नहीं, बढ़िया माता जी को, अब उसको आश्रम का प्रसाद अच्छा नहीं लगता, वो माता जी को फोन करेगा, माता जी भूख लगी है, बेटा भूखा है आपका। माता जी कहती आ जाओ प्रभु जी फिर आप। अच्छा माता जी क्या खिलाओ, जो आप बोलोगे सब खिला दूंगी, आप आ तो जाओ बस एक बार। हेमलता माता जी का जब मैं ऐसे फोन पर सुनता हूँ, मैं वाला कभी तो मेरा भी दिन आएगा माता जी, किसी दिन मैं भी आपको चावल के चीले खिलाऊंगा, क्लास में सब बातें याद कराऊंगा आपको, बढ़िया चटनी बनाएंगी, मिठाई बनाएंगी, खीर। प्रभु जी आप खीर खाते हैं, क्यों नहीं खाते खीर, खूब खीर खाते हैं। माता जी खीर बना करके मतलब चटोरा बना देते हैं ये लोग, बहुत खतरनाक है। जीव सबसे खतरनाक है। तार मध्ये जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, सब इंद्रियों का सरदार जीव है, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे हमारे नरसिंह प्रभु ने कुछ लोगों को चटोरा बना दिया, खाओ मलीदा खाओ, दबा करके चीला खाओ, कतरा खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं 38वें श्लोक में, ये राजसी सुख है। और मैक्सिमम आप सब लोग अपने जीवन में झांक करके देखेंगे तो ये जो राजसी सुख है ना, जिसके चलते ये सतोगुणी सुख नहीं है, जो इंद्रियां इंद्रियों के विषय के जब संपर्क में आती है। कौन सी इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां। कौन कौन सी हैं, आंख। आंख का विषय क्या है, रूप। कान का विषय क्या है, शब्द। नाक का विषय क्या है, गंध। जीभ का विषय क्या है, स्वाद। और त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श। ये पांच इंद्रियां हैं और इन पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। जब ये पांच इंद्रियां पांच इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती हैं, आंख रूप के संपर्क में आए, कान शब्द के संपर्क में आए,
नाक गंध के संपर्क में आए, जीव 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 स्पर्श के संपर्क में आए, स्पर्श के या स्वाद के, जीव स्वाद के संपर्क में आए। जैसे प्रीति माता ने अपने दोनों बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया है, वो नई नई वैरायटी बस कुकिंग में रिसर्च करते रहते हैं, बाकी कोई रिसर्च नहीं करेंगे। प्रभु जी ये मैंने इस स्टाइल से भिंडी बनाई है, प्रभु जी ये मैंने इस स्टाइल से ड्राई फ्रूट्स की स्वीट बनाया है, मैंने इस स्टाइल से ही मखाने की खीर बनाई है एकादशी को, मतलब पूरा फीस्टिंग से कम नहीं रहता उन लोगों का। इसके चलते कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, ये घर ही आश्रम बनाते हैं, प्रभु जी आश्रम में नहीं आएंगे कभी। विचार करें हम सभी ठंडे दिमाग से, हम सभी मैक्सिमम लोग घर को क्यों नहीं छोड़ पाते। घर को न छोड़ पाने का कारण ही मुख्य रूप से है कि हम ये इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं कर पाते। विशेष रूप से जीव हमारी ऐसी हुक करके बैठी रहती है, जो चाहो सो बना लो घर पे, आदेश देने की बात है, अब खुद ट्रेंड हो जाते, लोग खुद खाते पीते रहते हैं। बोले घर पे भक्ति नहीं हो सकती, बोले नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, रजोगुनी सुख में डूब जाओगे भाई, कैसे हो जाएगी बताओ। हम एक आश्रम में गए, वहां हमने क्या खाया, आलू की सब्जी और रोटी। अब रोटी पे न तो घी लगा हुआ है और आलू की सब्जी के न आलू के छिलके उतारे हुए हैं, आलू के छिलके के साथ आलू की सब्जी खानी पड़ रही है। आलू का छिलका तो दूर की बात, अधिक मात्रा में सब्जी बनी तो आलू के छिलकों को, आलू को धोया भी नहीं गया ठीक से, तो छिलके के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी वो मिट्टी सब्जी में फंसी हुई है, और उस मिट्टी को जब खा रहे हैं सब्जी के साथ, उन मिट्टी दांतों के बीच में किसके साथ दे रही है। अब बताओ आश्रम में जब ऐसी सब्जी और रोटी खाने को मिलेगी तो कितने दिन टिक पाएंगे। लेकिन मैं गया, मैंने जाकर के खाया, उसी समय मैं सोचा यार मैं यहाँ क्यों आकर के फंस गया। लेकिन 2-4 दिन खाया तो धीरे धीरे अभ्यास पड़ गया, लेकिन कथा सुनने को मिलती थी, भक्तों का सानिध्य करने को मिलता था, उसमें जो आनंद आता था, मैंने सोचा यार थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा तो उठा लेते, कोई बात नहीं, मिट्टी वाली सब्जी खा लेते। फिर धीरे धीरे पता चला कभी कभी छाछ भी मिल जाती है, तो छाछ में थोड़ी मिट्टी आएगी, फिर छाछ के साथ रोटी खाने लग गए। तो इस प्रकार से सहज हो जाता है जीवन, तो वैसे भी मरना ही है एक ना एक दिन, तो इन सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब रूप आंख के संपर्क में आता है, मीठे शब्द कान के संपर्क में आते हैं, और इस सब चीजें पहले मीठी मीठी आती, बढ़िया सा सुंदर रूप आंख के संपर्क में आएगा, मीठे शब्द, हर व्यक्ति आप बात भी करेगा ना कोई व्यक्ति शुरुआत में तो जी जी लगा करके बात करेंगे, जैसे बोला जाए ना क्या कर रहे हैं आप, जी कुछ नहीं कर रहे, अजी आप कैसे हैं, अजी हम ऐसे हैं, हर सेंटेंस में जी शब्द लगा करके बात हो। और बाद में पप्पू की अम्मा क्या कर रही है, सब जी भी सब गायब हो जाएगा, या न गाली दे करके बात चालू चालू हो जाएगी, बाद में उसका असली रूप सामने आएगा, और सबका अनुभव ऐसा हो सकता है। शुरुआत में तो बहुत आदर सत्कार के साथ शब्द सुनाई देते हैं, फिर मैं इन सब चीजों के बारे में क्या बताऊं आप सब। हाँ, इसमें स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे। विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रिय और विषय का संयोग हुआ, फिर क्या हुआ, तद अग्रे अमृतोपमम, ये शुरुआत में अमृत जैसा लगेगा, परिणामे विषम इव, परिणाम विषकारक हो जाएगा, लेकिन तत्सुखम राजसम स्मृतम, इसको राज से सुख कहते हैं, समझ रहे हैं हिमांशु गोस्वामी जी आप, इसको राजसी सुख कहते हैं। प्रभु जी मैया जी ने आपके लिए बना करके भेजा है, बढ़िया पूरी भेजी है, बढ़िया गंगा फल की सब्जी भेजी है, बढ़िया हलवा भेजा है, इसको आप ग्रहण कीजिए। तो मैया जी इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनाती, और ये भी मैया जी के आइटमों में डूबे रहते हैं। प्रभुपा जी लिख रहे हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य, जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं, जीभ के संपर्क में गुलाब जामुन खा रहे हैं, अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है। विष तुल्य मतलब मारता ही है, अब मारता है मतलब जान से नहीं मार रहा है, लेकिन दर्द से तो मार ही रहा है। अब डायबिटीज के पेशेंट को जब गुलाब जामुन दबा के खा लेता है तो बेचारा दर्द होगा उसको, वह रजोगुनी कहलाता है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, जब
कोई युवक किसी युवती से मिलता है, सबसे बड़ा राजसी सुख की पराकाष्ठा जो संसार में पाई जाती है वो पाई जाती है युवक और ये सब के अनुभव की बात है। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे। सबसे पहले वो सोचता है कि बस देखने को मिल जाएगा, पहले देखना भी दूर का हो जाता है, पहले तो सोचता खाली एक मैसेज आ जाए इसका, या मैं मैसेज भेजूं तो उधर से चप्पल ना आए, उधर से स्वीकार हो जाए बस। तो शुरुआत तो सिर्फ मैसेज की होती है, उसको दिन भर इंतजार करता रहता है कि मैसेज कब आएगा, और जब मैसेज आ जाता है फिर सोचता देखने को कब मिलेगा। अच्छा देखने को मिल जाता है तो फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसका स्पर्श करे, देखने के बाद वो चाहता है स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, ये अत्यंत सुखकर, छोटा मोटा सुख नहीं, अत्यंत सुखकारी, ऐसा लगेगा कि यही जीवन है बस, बोले नहीं, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद ही वही विष तुल्य बन जाता है। देखो कई बार संसार के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोग विवाह क्यों करते हैं, विवाह का लक्ष्य एकमात्र होता है, वो सोचते हैं कि इससे हमारी इंद्रियां संयम में हो जाएंगी, हम काम से जो जर्जरित हो रहे हैं, काम से जो परेशान हो रहे हैं, वो हम शांत हो जाएंगे। ऐसा गीता नहीं कहती। अरे ये बताओ अग्नि को क्या अग्नि से बुझाया जा सकता है? ऐसा संसार में कहीं देखा है कि अग्नि के अंदर अग्नि डाली और अग्नि बुझ जाए? उल्टा बुझी हुई अग्नि में आप ऊपर से अग्नि डाल दोगे तो और भड़कने लग जाएगी, अग्नि शांत नहीं होती, अग्नि से कभी अग्नि शांत नहीं, ये सिद्धांत है। तो व्यक्ति क्या चाहता है, बोले विवाह करने से पति पत्नी को प्राप्त कर लेता है, सोच कर कि मेरी इंद्रियां सही है, मैंने प्रभु जी काम बहुत परेशान करता रहता है, मैं क्या करूं, इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ। ठीक है भैया तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कर लो, लेकिन शास्त्र कह रहा है दुष्पूरेण अनलेन च, अरे तुम अग्नि को शहद डाल करके, अग्नि को घी डाल करके और अग्नि को अग्नि डाल करके तुम बुझाना चाह रहे हो तो भला कैसे बुझा सकते हो? ये तो कभी नहीं बुझा सकते, ये तो संभव ही नहीं है, ये उपाय है ही नहीं। अगर ये उपाय होता तो कितने सारे गृहस्थी लोगों को मैं ऐसा देखता हूं, और देखता ही नहीं, मैंने गृहस्थी लोगों को सुना है, गृहस्थी लोगों को देखा है कि उनके पास पत्नी है फिर भी वो दूसरी स्त्रियों को काम की दृष्टि से देखते, या गृहस्थी लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां दूसरों को काम की दृष्टि से देखती हैं, ऑलरेडी पति है फिर भी दूसरे व्यक्ति की ओर काम के प्रति आकर्षित होकर के आकर्षण की बुद्धि से देखती, तो क्या काम उनका संतुष्ट हो गया पति पत्नी बन जाने से? काम संतुष्ट नहीं, क्या उन्होंने मूवीज देखना बंद कर दिया? मूवीज में क्या है, वही काम सुख का सारा कुछ, हाँ मटेरियल दिखाई देगा, वहां सेकंड हैंड एंजॉयमेंट चल रहा है, हमारा रोल नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे लोग पति पत्नी के रूप में या प्रेमी प्रेमिका के रूप में वहां रोल प्रदर्शित कर रहे हैं, हम उसको पागलों की तरह देखते रहते हैं, हम देख करके सुखी तो पा रहे हैं, अपने आप में अगर सुख मिल रहा होता तो फिर उनको देखने की क्या जरूरत थी? क्या हम संतुष्ट हो पाए स्वयं से? कभी संतुष्ट नहीं कोई हो सकता, अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता, इसका अर्थ ये नहीं, अग्नि को अग्नि से नहीं बुझा सकते, शहद से नहीं बुझा सकते, आप अग्नि को घी से नहीं बुझा सकते, अन्य तेलों से नहीं बुझा सकते, अग्नि को कैसे बुझाया सकता है? बोले सिंपल है, अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो पानी से कैसे बुझाया सकता है? पानी क्या है? बोले पानी है केवल और केवल भगवान की भक्ति, जिसको हम सभी समझ सकते हैं, संसार दावा नल लीड लोक, ये संसार की अग्नि, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, ये सब दम्भ अग्नि, ये सब छोटी मोटी अग्नियां नहीं, एक ही बाप एक है, इनको आप किसी भी तरह से नहीं बुझा सकते, इन सब की जड़ काम अग्नि है जो अंदर अंदर धधकती रहती है, लोभ अग्नि फिर भी दिखाई देती है, क्रोध अग्नि फिर भी दिखाई देती है,
दम अग्नि फिर भी दिखाई देती, काम अग्नि दिखाई नहीं देती, काम अग्नि अंदर शांत रूप से धधकती रहती है। बोले इस काम अग्नि को अगर शांत कर सकता है, जो कि दावानल की तरह, संसार दावानल जंगल की आग है, इससे तो वैसे भी नहीं कोई बुझा सकता, किसी शरीर में नहीं बुझाया जा सकता। कैसे बुझाया जा सकता है? त्राणा कारुण्य घना घना तुम, आप घनघोर वर्षा करें, आप गाड़ी वर्षा करें इसकी, बोले हरि नाम की कृपा की। जब वैष्णवों के सानिध्य में जब भक्ति की वर्षा होती है, जब आराधना की वर्षा होती है, अपने आप हमारा मन उपराम पद को प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। फिर दिखाई देने लगेगा एक दूसरे का शरीर मलमूत्र का शरीर है, तब दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। उससे पहले तो ऐसा दिखाई देगा जैसे अमृत का शरीर है। शरीर का एक एक अंग, एक एक व्यक्ति सजाने की चेष्टा करेगा, ये दिखाने के लिए कि इस अंग को देखो तो सही, आप कितना सुंदर है। आंखें हैं तो आंखों को ना केवल अंदर काजल लगा करके आदमी सजाने की चेष्टा करेगा, आंखों के ऊपर पलकों को भी सजाने की चेष्टा लोग करते हैं। पलकों को भी ऐसा कलर करेंगे ऊपर की ओर से, जिससे कभी पलक जब नीचे जब आएगी, उस समय भी व्यक्ति आकर्षित हो जाए। विचार करो, इस प्रकार से एक एक वस्त्र को समाज में, समाज में नीति यही है, समाज में लोग पागल ही इसी चीज को लेकर के हैं। तो वस्त्रों की साज सज्जा भी इस तरह से होगी कि एक एक अंग, एक एक व्यक्ति आकर्षित हो उस अंग की ओर। तो इसे बुझाने का प्रयास है क्या? इसको बुझाया नहीं जा रहा है, इसको भड़काया जा रहा है। और मरते दम तक बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है। अरे लोग मंदिर में आकर के फुल टाइम ज्वाइन होने के पश्चात भी, अब लोगों की बात क्या कहूं, मैं मेरी बात करता हूं, मेरा ही मन कामना से भरा पड़ा है, क्यों भजन इतना अच्छा होता नहीं, लेकिन फिर भी लोग भी ऐसे संपर्क में आ जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़े हैं एक प्रकार से, और वो एक स्त्री को देख करके कहते हैं एक बार बस ये मिल जाए। और क्या कहते हैं, बोले अभी मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हो गया हूं, 60-70 साल की उम्र हो गई है, फिर भी वो कह रहे हैं मैं अभी वो बूढ़ा थोड़ी हूं, बस ये एक बार मेरे को स्त्री मिल जाए। कितनी, अब ये घृणित लगता है, दूसरे के अंदर देखते हैं तब, लेकिन अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो हम सिर्फ इस बात को कह नहीं रहे हैं, बाकी हृदय काम से हमारा भी जर्जरित है, हमारा भी हृदय लोभ से जर्जरित है, हमारा भी हृदय क्रोध से जर्जरित है, और इन सब की जड़ काम है। ये इतनी खतरनाक है, भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया, अर्जुन हे महाबाहु, अगर तुम्हारे में ताकत है तो तुम इसको नाक रगड़ करके इसको मार डालो, सबसे बड़ा काम यही करो, इसको ऐसा मारो, ऐसा देखो कि ये जिंदा तो नहीं बचा है बिल्कुल भी। जैसे बंदर वृंदावन में देखा है, छोटे सांप का अगर बच्चा उनके हाथ में लग जाता है तो उसको इतना पटक पटक के मारते हैं, थोड़ी देर देखते हैं अभी जिंदा तो नहीं है, अभी फड़फड़ा तो नहीं रहा है, थोड़ा सा भी हलचल दिखाई देता है, फिर पकड़ के उसकी नाक रगड़ देते हैं, उसको फन को रगड़ देता है बंदर। बोले ऐसे ही इस काम को पूरी तरह से मार डालो महाबाहु अर्जुन। अब देखा जाए तो अर्जुन तो पहले से ही गृहस्थी है, और जो गृहस्थी है तो उनको अगर गृहस्थ से काम को मारने की क्षमता होती तो पहले ही मार देते। कैसे मारा जा सकता है? बोले करिष्ये वचनं तव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिरं। इस काम को मारा जा सकता है केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल भक्ति से ही, और उसमें भी हरि नाम से। भजनेर मध्ये सर्वश्रेष्ठ, भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे लैले नाम भाई प्रेम धन। बिना अपराध के बहुत फोकस होकर के अगर हरि नाम करे, बहुत प्रीति से अगर कोई व्यक्ति हरि नाम करे,
जैसे कितना प्रेम से हम जाग करके मैंगो शेक पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, एप्पल शेक पीते हैं, कितना प्रेम से पीते हैं, ऐसे ही प्रेम से जब बहुत फोकस होकर फॉर्मेलिटी के लिए हरिनाम करेंगे, जीवन में करते रहेंगे, कभी हमारा ये काम नष्ट नहीं होगा। हम तो नाम लेते ही सो जाते हैं, नाम लेते ही इस तरह से हैं कि जल्दी से आराम से नींद आ जाए। नाम लेंगे तो ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पीठ लगाने को मिल जाए, जहाँ बढ़िया कूलर चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, आराम से पीठ लगा कर बस समाधि में चले जाए। कोई अलर्टनेस नाम को लेकर के हमारी होती ही नहीं है। इसलिए परिणाम में क्या होता है, हम नाम का वो प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल और केवल नाम, और ऐसा जब हम भक्तों की संगति में लेते हैं तो निकल पाएंगे, अन्यथा नाम संसार में घर को लेकर के, द्रविड़ को देश लेकर के, देश को लेकर के, देह को लेकर के। बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है कि भैया अगर धन द्रविड़ देह देश आदि के लिए अगर ये नाम को लक्ष्य करके अगर जपोगे तो ये नाम शीघ्र फलम न जनकम, ये शीघ्र फल नहीं देगा, ये सैकड़ों जन्मों के बाद फल देगा, आपको तुरंत फल देगा। जबकि तुरंत फल देता है, काम को तो उखाड़ करके फेंक देगा ये, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए काम को कौन जीत सकता है, बोले गृहस्थ जीवन में जाना काम का उपाय नहीं, ब्रह्मचारी जीवन में जाना ये काम का उपाय नहीं है। काम का उपाय तो एकमात्र है, और वो है भगवान का भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना, बस और कोई नहीं। आप अगर नाम अच्छी तरह से करेंगे तो धीरे धीरे स्वयं अनुभव करेंगे कि हम काम से धीरे धीरे ऊपर उठ गए कि नहीं उठ गए। और काम का अर्थ ये नहीं होता कि केवल स्त्री आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण केवल यही काम है। एक बच्चे के अंदर आइसक्रीम का आकर्षण वो भी काम ही है। एक बूढ़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जो स्त्री पुरुष के भोगों से उसकी इंद्रियां जर्जरित हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, तो अब भोग तो नहीं भोग पा रहा है लेकिन लोभ जागृत हो गया उसके अंदर, वो पैसे के प्रति बहुत पागल हो गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर अब काम नहीं है, ये लोभ आया कहाँ से, जड़ काम ही है, ये काम से ही आया। जिसने अब इस उम्र में लोभ का रूप ले लिया है कि बस ये इनके इन प्रकार मेरे अंदर आमदनी आती रहे, पैसा आता रहे, बस उसी लोभ से आगे चल करके मोह उत्पन्न हो जाता है, जो हम संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, नाते रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, परिवार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहें मेरा तो पत्नी के साथ कोई ऐसा भोग का संबंध नहीं रहा, मैं बहुत ऊपर उठ गया, ऊपर नहीं उठे हम, मोह ग्रसित होकर के संसार में, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, संसार में चिपके हुए हैं, मतलब मोह ग्रसित हैं। कहाँ से आया, ये काम से ही आया, अग्नि ने रूप अलग ले लिया। कौन सी रूप की अग्नि होगी, बोले मोह अग्नि बन गई है वो आगे। इसलिए जब तक कि हम भगवत आज्ञा को नेचुरली फॉलो ना कर पाए, गुरुजी के प्रति नेचुरली समर्पित ना हो पाए, तब तक समझ लो हमने अभी तक काम को नहीं जीता है। जीतेंगे कैसे, बोले वही आज्ञा को जबरदस्ती पालन करना पड़ेगा। भक्ति के लिए ही गुरुजन आज्ञा देते हैं, कोई अलग से आज्ञा नहीं देते। इसलिए जब भक्ति के विधि विधानों का पालन निष्ठा के साथ करने की चेष्टा करते हैं, जबरदस्ती करने की चेष्टा करते हैं, हम धीरे धीरे इस काम को निश्चित रूप से पराजित करेंगे, नहीं तो राजसी सुख में डूब जाएंगे। राजसी सुख कैसा होता है, बोले जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद ही वही विष तुल्य बन जाता है और तब वे विलग हो जाते हैं, या उनमें तलाक अर्थात विवाह विच्छेद हो जाता है, और फिर विषाद, फिर शोक इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वो सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। अब बच कैसे जाएगा, व्यक्ति इतनी ताकत थोड़ी है किसी माई के लाल में कि बच जाए। बचने की एकमात्र ताकत है वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम।
इसलिए नाम आश्रय करना चाहिए। कैसा नाम आश्रय? घन घनात्म घनघोर नाम आश्रय। छोटी मोटी वर्षा से काम नहीं चलेगा, नाम की घनघोर वर्षा होनी चाहिए। रात दिन ऐसे ही थोड़े महाराज कहते थे, खाई ते सुई ते उठी ते वैसी ते यथा तथा नाम ले, देश का नियम नहीं सर्व सिद्धि हो गई, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये राशि सुख को थोड़ा सा हमने संक्षेप में बताने की चेष्टा किया, ये तो बहुत संक्षेप में बताया, बाकी एक एक चीज का उदाहरण लेंगे, एक एक इंद्रिय का, तो फिर क्या बाकी बचेगा। लेकिन राशि सुख से बचना है, क्योंकि अंत में दुविधाई है, सात्विक सुख की ओर आगे बढ़ना है, इसके पश्चात तामसी सुख है उसको कल वर्णन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनको बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है थोड़ा हमारा सिलेबस थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्दी खींच देंगे, और इसके पश्चात 18 के 18 अध्यायों को एक एक दिन में कवर करेंगे। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।